प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बहुभुज के अंतःकोणों का योग सीखा था। इस बार हम बहुभुज के अंतःकोणों को ज्ञात करना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम कोई कोण दिए हुए होंगे और कुछ छोड़ दिए गए होंगे तो उन्हें हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक चतुर्भुज हमारे सामने है जिसके चार कोण हैं। ये कोण 80 डिग्री है, ये एक्स एक्स हमें निकालना है, याद करना है, ये 95 डिग्री है और इसका मतलब आप समझते ही हैं। जहां पे आपको ये लंब टाइप या डब्बा सा नजर आ जाए तो इसको हम बोलते हैं कितने डिग्री कोण है, 90 डिग्री का मतलब समकोण है। अब इसमें हमें पता है कि बहुभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है, चार भुजाएं हैं, चार में से कितने घटाएंगे, दो को घटाएंगे और किससे गुणा करेंगे, 180 से गुणा करेंगे तो 360 आ जाएगा ना। तो मैं यहां लिख रहा हूं एक्स जमा 80 डिग्री जमा 90 डिग्री जमा 95 डिग्री बराबर है 360 डिग्री। और यहां कारण भी मुझे लिखना पड़ेगा, कई बार हम लिख के छोड़ देते हैं तो जो चेक करने वाले हैं कारण के बगैर नंबर काट लिए जाते हैं। तो ये कारण जरूर देना है कि चतुर्भुज, लिख देना चतुर्भुज के अंत कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सिंपल लिख दिया कारण। अब इनको जोड़ दो इस साइड, यहां हम जोड़ेंगे 265 डिग्री इसका जोड़ आ जाएगा और इधर हमारे पास क्या है, 360 डिग्री है और 265 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस कर दो तो एक्स बराबर कितना आ गया, 95 डिग्री। 360 में से 265 गए, आ गया 95 डिग्री। तो इस प्रकार से हम प्रश्न हमारे पास आ सकता है पहले प्रकार का। अब दूसरे प्रकार का प्रश्न किस प्रकार से आएगा, दूसरे प्रकार का प्रश्न मेरे पास इस प्रकार से आ सकता है कि हम यहां पर इस एक्स का मान ज्ञात करें जो पंचभुज दे रखा है, इसमें दो कोण दे रखे हैं 100 डिग्री 110 डिग्री, लेकिन ये वाला कोण पंचभुज के अंदर का नहीं बाहर का कोण दे रखा है। यहां पे भी बाहर है लेकिन हमें तो अंदर के कोणों के जोड़ का पता है, बाहर का नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, तो हम थोड़ा पिछले रिमाइंड करें, एक वीडियो में मैंने आपको रैखिक युग्म के बारे में बताया था कि ये दोनों कोण मिला के, ये दोनों कोण देखो एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, दोनों कोणों का जोड़ 180 और इन दोनों कोणों का जोड़ भी 180 डिग्री। तो इन कोणों को हम यहाँ पे नाम दे देंगे, इसको मैंने वाई नाम दे दिया, इसको मैंने जेड नाम दे दिया, कुछ भी आप दे सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो वाई और जेड को ही निकाल लेंगे। तो मैं यहां लिखूंगा वाई जमा 70 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। क्यों, पीछे हमने पढ़ा है कि इन दोनों कोणों का जोड़ 180 क्यों होता है, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। कारण देना पड़ेगा, कारण के बगैर नंबर कट सकते हैं, ये ध्यान रहे। तो पहले हम वाई निकालेंगे, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो वाई मेरे पास कितना आ गया, 110 डिग्री, पहला वाई निकल गया। अब इसी प्रकार जेड और 75 को भी जोड़ेंगे, जेड जमा 75 डिग्री बराबर क्या आएगा, 180 डिग्री। कारण क्या देंगे, रैखिक युग्म, वही वही कारण देंगे। अब जेड बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री, 75 डिग्री दूर जाके माइनस हो जाएगा, ये आ गया 105 डिग्री। अब मेरे पास वाई भी आ गया और जेड भी आ गया, वाई जेड दोनों आ गए हैं, ये दोनों हैं, तो हमें एक्स का मान निकालना है। तो पंचभुज के पांचों कोणों का जोड़ हम ले लेंगे एक्स जमा 100 डिग्री जमा 110 डिग्री जमा, एक क्या था मेरे पास वाई और एक क्या था जेड, बराबर कितना आएगा, पांच कोण है, पांच भुजाएं हैं, तो पंचों अंत कोणों का जोड़ 5 घटा 2 क्या बच गया, 3 और 3 को 180 से गुणा करेंगे, 18 थी 54 और 1 0 540 डिग्री। यहां कारण क्या देंगे कि पंचभुज, पंचभुज के अंत कोणों का योग क्या होता है, 540 डिग्री होता है। अब यहां पे हम x जमा 100 डिग्री जमा 110 डिग्री, y की जगह मेरे पास क्या आया था, 110 डिग्री, z की जगह 105 डिग्री बराबर है 540 डिग्री, उसको रख देंगे। x और y और z के मान हमें यहां से मिले, y 110 डिग्री, z 105 डिग्री, तो x जमा इन सभी को आपस में जोड़ें, ये आ जाएगा 425 डिग्री बराबर है 540 डिग्री। और जब हम यहां पे जोड़ करेंगे, करो एक्स जमा सॉरी 425 डिग्री उधर चला जाएगा
तो यहां से x बराबर कितना आ गया 115 डिग्री मेरे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं, देखा ना पहले हमें ये रैखिक, मैंने इसलिए रैखिक युग्म का चैप्टर पहले करवाया था आपको कि इसकी जरूरत पड़ेगी, और यहाँ ये जरूरत पड़ गई। पहले रैखिक युग्म से अंदर वाले कोण ज्ञात कीजिए, फिर पांचों कोणों का जोड़ 540 के बराबर रखें, एक्स का मान बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। एक प्रश्न हमारे पास इस प्रकार से भी आ सकता है, अच्छा हर बार एक्स नहीं लेंगे हम, अब की बार वाई लेके देख लेते हैं, ये वाई है। अब इसमें आप ध्यान से देखें कि हर भुजा के ऊपर एक सिंगल निशान लगा हुआ है। यदि इस प्रकार की कोई आकृति आ जाए, वो पंचभुज में आ जाए, वो त्रिभुज में आ जाए, वो षटभुज में आ जाए, सभी भुजाओं पर यदि एक ही निशान लगा हुआ हो, सभी भुजाओं पर यदि इस प्रकार का निशान आ जाए, तो इसका मतलब सारे की सारी भुजाएं बराबर हैं और सारे के सारे कोण भी बराबर हैं, वो एक समबहुभुज है। अर्थात यदि ये वाई डिग्री है तो ये कोण भी वाई होगा, 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 ये कोण भी वाई होगा। अब ये 6 के 6 कोण वाई है, तो मैं क्या लिखूंगा, वाई जमा वाई जमा वाई जमा वाई जमा वाई जमा वाई, 6 बार वाई, 6 के 6 कोणों का जोड़ कितना होगा, सूत्र लगाइए, 6 में से 2 घटाएं 4, 4 को 18 से गुणा करें, 72 में एक जीरो लगा दें, कितना आ गया 720 डिग्री, 180 से गुणा किया है मैंने 4 को, और कारण लिख देंगे, कारण क्या लिखेंगे कि षटभुज, अब की बार षटभुज है मेरे पास, षटभुज के अंतःकोणों का जोड़ क्या होता है 720 डिग्री होता है, वो पूरा लिखना है मैंने छोड़ दिया थोड़ा। अभी वाई सभी को जोड़ेंगे कितना हो गया 6y बराबर है 720 डिग्री, और यहां वाई क्या देगा 720 डिग्री बटे 6, भाग देना 6 से 6 से भाग दे सकते हैं, कितना आ जाएगा भाग देने के बाद 120 डिग्री, तो वाई का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 120 डिग्री। एक प्रकार का प्रश्न हमारे पास इस प्रकार से आ सकता है कि हमें किसी त्रिभुज के अंतःकोण दिए हुए होंगे और उसका उसके जो अलग कोण है वो निकालने होंगे, तो उसको हम निकालेंगे, हम देखेंगे पहले निकालना है हमें x जमा y जमा z, ये x है ये y है ये z है, लेकिन x के साथ किसी न किसी कोण का कॉम्बिनेशन बनेगा, किसका बन रहा है 80 डिग्री का, क्या बन रहा है ये, हाँ रैखिक युग्म बना रहे हैं, मतलब x में यदि 80 डिग्री जोड़ूं क्या आ जाएगा वो 180 डिग्री आएगा, और क्या लिखेंगे हम रैखिक युग्म, ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री घटा दो, x बराबर कितना गया 100 डिग्री, x आ गया हमारे पास 100 डिग्री। अब y के साथ भी देखो ये 70 डिग्री कॉम्बिनेशन बना रहा है, बिल्कुल वही रैखिक युग्म, तो इसमें हम लेंगे y जमा 70 डिग्री बराबर है 180 डिग्री, ये भी क्या बना रहे हैं रैखिक युग्म बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं रैखिक युग्म, तो y बराबर क्या आ गया 180 डिग्री घटा 70 डिग्री बराबर है कितना आ जाएगा 110 डिग्री घटाएंगे तो 110 डिग्री आ गया। अब तीसरा z के साथ 30 डिग्री बना रहा है ना, तो z जमा 30 डिग्री भी क्या बना रहा है 180 डिग्री बना रहा है, क्या बना रहा है वो, कारण क्या देंगे रैखिक युग्म, क्या देंगे रैखिक युग्म, तो z बराबर क्या आ गया 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री घटा देंगे तो z बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा 150 डिग्री। अब x मेरे पास 100 डिग्री, y 110 डिग्री और z 150 डिग्री को हम यहां पे रख देंगे, 100 डिग्री जमा 110 डिग्री जमा 150 डिग्री, और तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री, तो हमारे पास जो बाहर कोण है x y और z तीनों का जोड़ है वो क्या आया है 360 डिग्री आया है। तो आशा है इस प्रकार के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, अब ये प्रश्न कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।